दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छा होगा। अब मैं जस्ट अभी उठी हूँ, तो मैं अभी फ्रेश अप हो लेती हूँ। दोस्तों, मैं फ्रेश अभी हो गई हूँ। अब जाऊँगी मेरे फ्रेंड के साथ मार्केट में सब्जियाँ खरीदने के लिए, तो चलते हैं मार्केट में, दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। तो जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के साथ सब्जी लेने के लिए। क्या खरीदेंगे आज? কত করে এমনে? এমনে তোমার 30 টাকা 40 টাকা বেশি, তোমার দুইটা নিলে কমরা 50 টাকা। তো হামনে মার্কেট ভি কর লিয়া হে, ইয়া খরিদা হে 50 রুপিস মে, দিখা দো। हाँ, तो आज बिस्कुट बना के खाऊंगी, है ना? हाँ। तो मार्केट से भी आ चुके हैं हम लोग, अब खाना बनाती हूँ। लाइट भी नहीं है यहाँ पर, पूरा अंधकार अंधकार है, फिर भी दिखाती हूँ आप लोग को मैं। यस, आज की रेसिपी लॉन्ग बीन फ्राई करूँगी। मैंने लॉन्ग बीन भी कट करके ख़त्म हो गया अभी, तो अब पकाऊंगी उसे। जान बेम्बू सूट बना रही है, उसे बहुत आता है टेस्टी टेस्टी खाना बनाना। कुकिंग वोमेन, ये बनाऊंगी अब मैं। खाना वाना बना के ख़त्म भी हो गया, अब खाना खाऊंगी। ये देखो मेरे प्लेट, खाऊंगी अभी। ये है बेम्बू सूट और ये लॉन्ग बीन फ्राई किया हुआ और ये ड्राई फिश से बनाया है। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ये सब खाते हैं क्योंकि ट्राइबल लोग ज़्यादा खाता है ये, तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं खाऊंगी अब इससे। मेरा फ्रेंड तो इधर है, किसी के साथ बात करके खा रही है, तो मैं इधर ही खा लूँगी अकेला। फिर से दुकान जाना पड़ेगा क्योंकि बिस्कुट बनाने के लिए ऑयल चाहिए और मैदा और चीनी चाहिए हम लोग को, तो जाना पड़ेगा दुकान में बेबी जान के साथ। और यहाँ पर और एक है मेरे फ्रेंड, मेरी बेबी जान के रूम में। हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय। ऑयल भी ले लिया, दिखाओ ना ऑयल। हाँ, ऑयल ले लिया और यहाँ पर मैदे और चीनी। दुकान से भी आ चुकी हूँ अभी, अब बनाऊंगी बिस्कुट बेबी जान के साथ। बनाओगी क्या तुम? हाँ बना। बहुत स्मेल आती है उसका, स्मेल भी बहुत अच्छा है, खाने का मन हो रहा है मुझे। देखो अभी बेबी जान इसको छील रही है, देखिए कैसा छीलता है। इस तरह से छीलना पड़ता है इसको। इसके अंदर ना दो बीजी होती है, तो एक बीजी बेबी जान लूँगी और एक मैं। इससे रस निकालूंगी, अब रस निकालने के बाद दिखाऊंगी फिर से। तो हम लोग रस भी निकाल लिया, अभी मिक्स करूंगी। ये बेबी जान मिक्स कर रही है मैदा के साथ। चीनी दे दिया? हाँ चीनी भी दे दिया मैंने, इसे भी बिठा दिया है। अभी उसमें ऑयल लेंगी और इसमें ऑयल भी दे दिया मैंने और यहाँ पर मिक्स हो गए, मिक्स कर दिया बेबी जान ने। अब बनाऊँ, कुकिंग वोमेन बना रही है। हाँ गरम होने दो पहले। हाँ दे दो, तेल भी गरम हो चुकी है अभी। हाँ दे दो। ये देखो बेबी जान की हाथ का कमाल। लाल लाल हो रही है, खाने का मन हो रहा है मुझे।
पक गया। बहुत स्मेल अच्छा आ रही है। लोकल ऑर्गेनिक बिस्कुट खाऊंगी आज। आप टेस्ट करके देखती हूँ मैं कैसा है लोकल बिस्कुट। अच्छा है, थोड़ा मीठा कम हो गया। नहीं मीठा कम हो गया तो शुगर के लिए तो अच्छा है, ज़्यादा मीठा खाने से भी शुगर हो जाता है। अभी फ्रेंड को खिलाती हूँ इधर जाके। थी माँ ले लो खा के देखो कैसा लगा, बताओ कैसा है। गुड इवनिंग दोस्तों, तो हम लोग अभी ये खा रहे हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं उसे ठिकरिंग। और ये दोनों को देखो, दुकान में गए थे उन लोग, वो दोनों और मैं भी गए थे उन लोग के साथ, गजब हो गया। देखो ना बोल दो ना क्या हुआ था, दुकान में गया था पर दुकान ही बंद है, और इतना सारा दुकान है जेरोक्स दुकान एक भी नहीं खोला, सब बंद है, तो जाके भी कोई फायदा नहीं हुआ। पोपट हो गया हम लोग। हाँ पोपट हो गया स्पेशली बेबीजन का। बेबीजन और मेरा फ्रेंड दुकान में चले गए फिर से, क्योंकि उन लोग को जेरोक्स दुकान में कुछ काम था, तो मैं अब खाना बनाऊंगी उन लोग आने से पहले। और मैंने यहाँ चावल भी बिठा दिया है पकाने के लिए, तो वो लोग जब आओगे तब सब्जी बना लूँगी। ये देखिए चावल बिठा दिया है मैंने। ये देखो बेबी जान भी आ गए। क्या पकाओगी आज बता दो। पता नहीं क्या क्या है इसमें, तो लॉन्ग बीन है और भिंडी और क्या है पता नहीं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। ये देखो बेबी जान लॉन्ग बीन ठीक कर रही है, और यहाँ पर भिंडी है आज, ये और भिंडी मिक्स करके बॉईल खाऊंगी, वो भी ड्राई फिश से है ना। अभी खाना बना के भी ख़त्म हो गया, अब खाना खाऊंगी। और इधर बेबी जान ऑलरेडी खा रही है तो मैं भी खाऊंगी अभी। ये देखिए मेरा थाली, क्या क्या है यहाँ पर, बीन और लॉन्ग बीन और भिंडी और ये आलू और क्या क्या देख पता नहीं सब्जी गुदा क्या है खा रही है मुझे छोड़ के। मैं भी स्टार्ट करती हूँ अभी। खाना भी खा के ख़त्म हो गया, तो आज का मेरा न्यू ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर एंड करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग को। अपना ख्याल रखना और बाय बाय, गुड नाइट सबको।